इन दिस लेक्चर आई एम गोइंग टू डिस्कशन अबाउट द जिंकोसफिट सीमेंट जिंक फोस्पेंट सीमेंट इज द ओल्डेस्ट ल्यूटिंग सीमेंट ऑल्सो नोन एज क्राउंड एंड ब्रिज एंड जिंक ऑक्सीफोस्फेट ओके ये दो नामों से भी जाना जाता है जिंक फोस्फिट सीमेंट को एप्लीकेशन के बात करते हैं द ल्यूटिंग फॉर द स्ट्रेशन के लिए ल्यूटिंग में यूज करेगा हाउ हाई स्ट्रेंथ बेस है टेम्प्रोरी रेस्टोरेसन यूज करते हैं बिकॉज इसका जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो भी बहुत ज़्यादा कम होता है जिसकी वजह से ओके okay? और इसमें एक प्रॉब्लम यह है कि ये माइक्रो मैकेनिकल मैकेनिकल बॉन्डिंग करता है ये केमिकल बॉन्डिंग नहीं करता है जिसकी वजह से ये टाइम के साथ डिके हो जाता है ओके okay? इसलिए टेम्प्रोरी रेस्टोरेशन में यूज करते हैं ल्यूटिंग ऑफ ऑर्थोडेंटिक बैंड्स एंड ब्रैकेट्स क्लासिफिकेशंस दो क्लासिफिकेशन है ल्यूटिंग जो और बेस एंड लाइनिंग देखो जो ल्यूटिंग है उसका फिल्म थिकनेस होता है ट्वेंटी फाइव माइक्रो एम मैक्सिमम इससे होता है इससे ज़्यादा हम ल्यूटिंग नहीं देते हैं थिकनेस ओके देन आता है एवेलेबल एज पाउडर एंड लिक्विड सिस्टम में कैप्सूल ऑफ प्री पर्सनल पाउडर एंड लिक्विड देखो कैप्सूल जो है उसमें पहले से रेशियो में होता है पाउडर लिक्विड बस हमें मिक्स करना जैसे कि एमलगम में होता है ठीक है बात करते हैं कंपोजिशन का कंपोजिशन में पाउडर का इंग्रेडिएंट है जिंक ऑक्साइड जो कि नाइन्टी परसेंट होता है बाई वेट एंड प्रिंसिपल कंस्टुट है सबसे ज़्यादा होता है जिंक ऑक्साइड एंड फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड एट पॉइंट टू परसेंट एंड इन देंट्रिंक एंड ऑक्साइड जिंक अदर ऑक्साइड में होगा बिस्म ट्राई ऑक्साइड कैल्सियम ऑक्साइड एंड पेडियम ऑक्साइड ठीक है जो कि जीरो पॉइंट टू परसेंट है इंप्रूव करता है स्मूथनेस ऑफ मिक्सर को मिक्सिंग जो करेंगे उसका ठीक है सिलीका की बात करते हैं वन पॉइंट फोर परसेंट है फिलर है जो फिलर मटेरियल के रूप में रहता है दिन इसका जो लिक्विड है इसके इन्ग्रीडियंट देखते हैं इसमें फोस्फोरिक एसिड जो कि मेन इंग्रेडिएंट है जो थर्टी एट पॉइंट टू परसेंट होता है रिएक्ट विद द जिंक ऑक्साइड वाटर थर्टी सिक्स पॉइंट होता है कंट्रोल रेट ऑफ रिएक्शंस एल्यूमिनियम फॉस्पेट जिंक फोस्पेट सिक्सटी पॉइंट टू एज ए बफर टू तो रिड्यूज रेट ऑफ रिएक्शंस ओके एलमोनियम टू पॉइंट फाइव एंड जिंक होता है सेवन पॉइंट टू परसेंट फॉस्पोरिक एसिड वाटर एलमोनियम फोस्फेट या जिंक फोसफेट एंड एलुमिन एंड जिंक होती है इसका लिक्विड का कंपोजिशंस अब देखेंगे जिंक फॉस्फेट का मैन्युफैक्चरिंग हम कैसे करते हैं देखो जो पाउडर होता है उसका मैन्युफैक्चर करते हैं इन्ग्रीडियंट और जो भी इन्ग्रेडियंट अभी बताएँ उसको मिक्स करेंगे ठीक है ये जो है इसको हम मिक्स करेंगे ओके मिक्स करने के बाद क्या करेंगे हम उसको हीट करेंगे वन थाउजेंड टू फोर्टीन हंड्रेड डिग्री सेल्सियस तक इस प्रोसेस को बोलते हैं सिंटरिंग सिंटरिंग के बाद जो फॉर्म होगा वो केक फॉर्म में आएगा ठीक है मिक्स कर मिक्सर जो होगा फिर उसको कूल करेंगे क्विकली बहुत ही फास्ट क्यूल करेंगे क्यूल करने के बाद जो बनेगा ठीक है उसको ग्राइंडिंग करेंगे मटेरियल को और फाइन पाउडर में कन्वर्ट कर देंगे जिस प्रोसेस को बोलते हैं प्रिटिंग प्रिटिंग एक प्रोसेस है जहाँ आप मटेरियल को हम ग्राइंडिंग करके फाइन पाउडर में कन्वर्ट कर देते हैं इस तरह से हम इसका जिंक फॉस्पेट का पाउडर बना लिए ठीक देन आते हैं लिक्विड लिक्विड में एक एल्यूमिनियम और या जिंक या इसका जो कंपाउंड है उसके साथ हम ऑर्गनोफोसरिक एसिड सॉल्यूशन को मिक्स करते हैं जिससे बनता है हमारी लिक्विड मैन्यूफेक्चर एंड इसके बाद आते हैं हम सेटिंग रिएक्शन पे देखो सेटिंग रिएक्शन किसी भी सीमेंट का काफ़ी इम्पोर्टेंट है तो इसको आप अच्छा से समझिए सेटिंग रिएक्शन जो कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है जिंक जिंक फोस्वे, का ओके इसमें क्या होता है जब हम पाउडर और लिक्विड को मिक्स करते हैं पाउडर और लिक्विड को जब हम मिक्स किए तो क्या होगा जो पार्टिकल का सरफेस होगा उस पर फॉस्फोरिक एसिड जाके अटैक करेगा जब पार्टिकल पर फॉस्फोरिक एसिड अटैच करते हैं अटेक करेगा तो क्या होगा ना जिंक आयन रिलीज करता है ओके जिंक आयन रिलीज करेगा और जिंक आयन मिल जिंक आयन क्या होगा ऐड हो जाएगा एल्यूमिनियम कम्पलेक्स और फॉस्फोरिक एसिड के साथ ये तीनों मिला के ठीक है फॉर्म करेगा जिंक एल्युमिनो फॉस्फेट जेल ये तीनों मिला के फॉर्म किया जिंक एलमिनो फोस्पेट जेल ओके इस तरह से हम जो भी कंसिस्टेंसी में हमें यूज करना है ल्यूटिंग या रेस्टोरिटिंग में उस तरह से हम देख लेंगे जेल के फॉर्म में यूज करना है ठीक नेक्स्ट इसके बाद आते हैं हम सेटिंग टाइम ल्यूटिंग के लिए टू से टू पॉइंट फाइव टू एट मिनट होता है जो कि वेरिएबल है बेस अलाइनिंग के लिए होता है टू पॉइंट फाइव टू सिक्स मिनट ओके कंट्रोल ऑफ सेटिंग टाइम सेटिंग टाइम को कंट्रोल करने के लिए दो प्रोसेस है एक जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है दूसरा है जो हम लोग यूज करते हैं ऑपरेटर के द्वारा जो डेंटिस्ट के द्वारा यूज किया जाता है उसके द्वारा हम इसको कंट्रोल करते हैं कंट्रोल कर सकते हैं सेटिंग टाइम को पहला सेंटरिंग टेम्परेचर अगर सेंटरिंग टेम्परेचर जितना हाई रहेगा अगर काफ़ी हाई बढ़ा देंगे तो जो सीमेंट का सेट होगा वो स्लो सेट होगा पार्टिकल साइज फाइन पार्टिकल रिएक्ट क्यों ठीक है ज़्यादा फाइन पार्टिकल होगा तो जल्दी से वो रिएक्ट कर जाएगा तो ज़्यादा सेट हो जाएगा वाटर कंटेंट ऑफ लिक्विड अगर वाटर कंटेंट ज़्यादा होता है तो एक्सलर्ट करेगा यानी कि जल्दी आ, सेट होगा अगर वाटर कंटेंट कम होता है रिटार्ड करेगा रिएक्शन को बफरिंग एजेंट एड टू स्लो डाउन द रिएक्शंस बफरिंग एजेंट हम मिक्स करके रिएक्शन को स्लो डाउन कर सकते हैं और जो ऑपरेटर के द्वारा होता है वो डिपेंड करता है टेम्परेचर पर अगर हाई टेम्परेचर रहता है तो एक्सडो रिएक्शंस करेगा इसलिए कुल मिक्सिंग स्लप अगर हम मिक्सिंग स्लेब जिस पर हम ग्लास ग्लासैप या जिस पर भी हम मिक्सिंग स्लैप मिक्स करेंगे हम जिंक फोस्पेट को अगर उसको हम कूल cool कर देते हैं तो जो रिएक्शन होगा वो स्लो हो जाएगा उसके बाद है दूसरा कि पाउडर और लिक्विड रेशियो पर अगर लिक्विड इंक्रीज होगा तो जो रिएक्शन होगा वो स्लो होगा रेट ऑफ एडिशन ऑफ पाउडर टू लिक्विड रेट ऑफ एडिशन ऑफ पाउडर टू लिक्विड पर भी डिपेंड करेगा रिएक्शन इज स्लो इफ द पाउडर इज इनकोप्टेड स्लोली मिक्सिंग टाइम लॉन्गर मिक्सिंग टाइम स्लो इन द रेट ऑफ रिएक्शन अगर मिक्सिंग टाइम हम ज़्यादा बढ़ाते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन कम होगा बट मिक्सिंग टाइम को हम एक विथ इन द प्रैक्टिकल लिमिट पर ही बढ़ा सकते हैं ओके प्रॉपर्टीज की बात करते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेंथ सेट सीमेंट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो होगा सेट सीमेंट का वो वन हंड्रेड फोर टू वन हंड्रेड नाइनटीन एम पी ए होता है और वही जो सेट सीमेंट होगा सॉरी जो हम सीमेंट जो रेस्टोरेशन करेंगे वो विद इन द 30 मिनट वो सेवेंटी परसेंट स्ट्रेंथ आ जाएगा उसमें बट जो फुल स्ट्रेंथ चाहिए यानी कि वन हंड्रेड फोर टू वन हंड्रेड नाइनटीन जो एम पी है अगर इतना हमको स्ट्रेंथ चाहिए तो कम से कम हमें ट्वेंटी फोर आवर लगता है ओके अब हम देखेंगे कौन कौन सा फैक्टर इफेक्ट करता है स्ट्रेंथ को पहला पाउडर लिक्विड रेशियो मोर पाउडर तो ग्रेट स्ट्रेंथ होगा और वाटर ज़्यादा देंगे तो स्ट्रेंथ कम हो जाएगा वाटर कंटेंट ऑफ लिक्विड जो लिक्विड है उसमें वाटर कंटेंट कितना है उस पर भी डिपेंड कर दें अगर हम ज़्यादा वाटर या कम वाटर देंगे तो आ, अगर हम एक्सेस वाटर दे दिए या कम वाटर दे दिए जिसकी वजह से भी स्ट्रेंथ कम हो जाएगा टेंसाइल स्ट्रेंथ की बात करते हैं जो कि वीकर होता है और कंपेरिजन करेंगे तो दूसरे सीमेंट से जिसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेंसाइल सॉरी टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है फाइव पॉइंट फाइव एम पी ए मॉडुल्स ऑफ प्लास्टिकसिटी यानि कि स्टिफनेस की बात करते हैं कंपेटिवली हाई होता है थर्टीन पॉइंट सेवन जी पी एंड विथ स्ट्रेंथ टू हाई मेस्टिकटरी स्ट्रेस वो इतना ज़्यादा होता है कि हाई मतलब स्ट्रेस ये बर्दाश्त कर सकता है ओके okay? थर्टीन पॉइंट सेवन जी पी होते हैं अब बात करते हैं solubility और disintegrations का मैक्सिमम सोलोबलिटी परमिट इज जीरो पॉइंट थ्री सोलोबलिटी इज ग्रेटर इन डायल्यूट ऑर्गेनिक एसिड कोई डायल्यूट ऑर्गेनिक एसिड है ऑर्गेनिक एसिड हम लोग जो ह्यूमन डाइट है उसमें हमेशा लेते हैं जैसे इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक सिट्रिक एसिड ऑल द प्रेजेंट इन ह्यूमन डाइट सो इट इज़ इम्पोर्टेंट टू मिनिमाइज द एक्सपोजर ऑफ सीमेंट इन द माउथ हम जितना कोशिश करेंगे मिनिमाइज करेंगे जो कि माउथ में सीमेंट का एक्सपोजर कम से कम हो क्योंकि जो हमारा ऑर्गे ऑर्गेनिक एसिड है वो सीमेंट को डिके कर देगा ओके इन द माउथ स्लो सो ग्रेटर डिसइंटीग्रेशंस ओवर ए टाइम पीरियड ऑफ टाइम पीरियड ओवर ए टाइम पीरियड फास्टर इन्वॉल्व फैक्टर इन्वॉल्व जो कि वियर एब्रेसिव केमिकल अटैक केमिकल अटैक के वजह से भी होगा डिसंटीग्रेशंस फैक्टर एफेक्टिंग द स्लोबिलिटी पाउडर लिक्विड रेशियो थिक मिक्स लेसबिलिटी वाटर कंटेंट ऑफ लिक्विड लिक्विड में जो वाटर कंटेंट है उस पर एनी चेंज इन वाटर कंटेंट इनक्रीज द स्लोबिलिटी इफेक्ट ऑफ मॉस्टर कंटामिनेशंस फिलिप थे बात करते हैं स्मोलर द पार्टिकल साइज लेसर द फिल्म थिकनेस मैक्सिमम फिल्म थिकनेस होना चाहिए ट्वेंटी फाइव माइक्रो एम इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए ठीक है थर्मल प्रॉपर्टीज गुड थर्मल इंसुलेटर है जिंक फोस्पेट सीमेंट इसीलिए इस ये रिड्यूज कर देता है गैल्वेनिक इफेक्ट को प्रॉपर्टीज प्राइमरी रिटेंटिव रिटेंटि जो है माइक्रो मैकनिकल बॉन्ड करता है ये केमिकल बॉन्डिंग नहीं करता है बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पी ऑफ द सीमेंट जो जब हम इंसर्ट करते हैं सीमेंट को तब तो वहाँ पर पीएच जो होता है टू होता है प्रोक्स और जब हम इंड होता है ट्वेंटी फोर आवर के आसपास जो पीएच लेवल होता है पॉइंट पॉइंट फाइव पॉइंट फाइव होता है ये और न्यूट्रल यानी सेवन के आसपास ही है पल्पल रिस्पॉन्स मॉडरेट होता है जो पल्सपल पल्पल रिस्पॉन्स होता है तीन कैटेगरी में बांटा गया है माइल्ड मॉडरेट सीवियर इसमें जिंक फोर्समेंट में पल्पल रिस्पॉन्स मॉडरेट होता है ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज में ओपाक होगा सेट सीमेंट का मैनिपुलेशंस की बात करते हैं एसपूचुला एस यूज जो होता है स्टेनलेस स्टील स्पचुला यूज करेंगे मिक्सिंग टाइम होता है वन मिनट फिफ्टीन सेकेंड ओके पाउडर टू लिक्विड रेशियो होता है वन पॉइंट फोर ग्राम या टू द वन पॉइंट फाइव एम एल प्रोसीड्योर बात करते हैं इसका पहले हम वाटर को लेंगे और इसको इन्ग्रीडियट में डिवाइड कर देंगे ठीक है आप इसको एट इंग्रेडिएंट में डिवाइड कर सकते हैं ओके okay, उसके बाद क्या करेंगे उसमें हम लिक्विड मिक्स करेंगे पहले पाउडर लेने के बाद इंग्रेडिएंट डिवाइड कर दीजिए बिफोर मिक्सिंग तब हम लिक्विड को निकालेंगे मिक्सिंग करेंगे हम ब्रिस्क सर्कुलर मोशंस में ओके इच इंग्रेडिएंट इज मिक्सड फॉर फिफ्टीन टू ट्वेंटी सेकेंड एक एक इंग्रेडिएंट को लेंगे और पंद्रह से बीस सेकेंड को मिक्स करेंगे ए लार्ज एरिया इज कोवर बिकॉज ऑफ द एक्सोथर्मिक रिएक्शंस देन एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। एडवांटेज द लॉन्ग ट्रैक रिकॉर्ड विद द रिली रिलेटेबिलिटी एंड गुड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ अबाव ओके डिसएडवाटेज बात करते हैं नो केमिकल एडेशन ये माइक्रो मैकेनिकल एडेशन करता है नो एंटी कैडियोजेनिक प्रॉपर्टी एंड पल्प रिटेंट है मोडरेट है एंड पुअर एस्थेटिक कैन नॉट बी यूज विद द ट्रांसलूसेंट रेस्टोरेस में इसका एस्थेटिक उतना ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता है इस वीडियो में हम यहीं तक बात करेंगे ओके थैंक्स फॉर वॉचिंग please like and subscribe the channel bds in hindi if you want to notes then visit the telegram channel bds in hindi okay thanks